2024 लोकसभा चुनाव में जहां तमाम परिवारों के बीच सियासी तौर पर लड़ाई हो रही है, तो वहीं केरल में देश के पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने अपने बेटे अनिल एंटनी के चुनाव हारने की कामना की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी ने अपने बेटे के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। एंटनी ने कहा, मेरे बेटे को चुनाव में हारना बेहद जरूरी है। अनिल एंटनी राज्य में बीजेपी के टिकट पर केरल की पथानाम थिट्टा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। पिता एके एंटनी ने अब अपने बेटे की ही हार की दुआ मांगी है। एंटनी अपने बेटे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। एके एंटनी ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी पार्टी को हारना होगा, उनके बेटे की जगह पर एंटू एंटनी को जीतना चाहिए। एंटनी ने कहा कि बेटे ने बीजेपी में शामिल होकर गलती की है। एके एंटनी ने कहा कि कांग्रेस ही उनका धर्म है। पिछले साल अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। साल 2002 के गुजरात दंगों और पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पथानाम थिट्टा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने एंटू एंटनी को उतारा है। इस सीट पर अभी तक सिर्फ 3 दलों के प्रत्याशी मैदान में है। CPIM ने TM थॉमस इसाक को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के नेता और मौजूदा सांसद एंटू एंटनी इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्हें 44,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई थी। तब उन्होंने CPIM के प्रत्याशी को हराया था। बीजेपी के सुरेंद्रन तीसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें करीब 3,00,000 वोट मिले थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।